व्यवस्था विवरण अध्याय 26 व्यवस्था विवरण अध्याय 26। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजकों के पास जाकर यह कहना कि मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों के साथ शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूं। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने धर दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। अब हे यहोवा, देख जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूं, तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना कि मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला है और न भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश को भूमि पर आशीष दे जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों के मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे।